الله يا قوة الله. इसराइल हमास युद्ध के बीच रफा में हमास का कहर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां अब इजरायली फौज रफा और गाजा से धीरे धीरे जंग की रफ्तार को धीमा कर रही है, वहीं गाजा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर इजरायली सेना अपने हमले तेज कर रही है। और इसी कड़ी में जब इजरायली सेना ने गाजा के साला अल दीन स्ट्रीट की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो हमास के लड़ाकों ने उसे पीछे खदेड़ने के लिए गोरिल्ला स्टाइल में एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। यहाँ पर हमास ने आईडीएफ के ऊपर भीषण बमबारी और रॉकेटों की बरसात की है जिसमें इजरायली फौज को भारी नुकसान हुआ है। और इसी दौरान अल सुजैया में हमास के लड़ाके गोरिल्ला स्टाइल में इजरायली सैनिकों पर टूट पड़े। यहाँ पर अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायल के 4 मेरकावा टैंकों को शावाज आईडी से उड़ा दिया। इसके अलावा अल सुजैया की एक बिल्डिंग के भीतर आईडीएफ के ऊपर टीबीजी मिसाइलों से बड़ा हमला हुआ है। दावा है कि इस अटैक में आईडीएफ को तगड़ा नुकसान हुआ है। अल कासिम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसके लड़ाके आईडीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी इलाके में अली मुस्तफा ब्रिगेड ने भी आईडीएफ के ऊपर बमबारी की है। अली मुस्तफा ब्रिगेड के साथ अलक्सा ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल लिया था। अलक्सा ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने अल सुजैया में आईडीएफ के जवानों और उसके वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं राफा में तो अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के 4 मेरकावा टैंकों को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। आपको बता दें कि मेरकावा टैंक पर यह हमला अल तायरान स्ट्रीट पर हुआ है जो तल अल सुल्तान के पास स्थित है। वहीं आईडीएफ पर इन भीषण हमलों को लेकर इजरायली सेना का बयान भी आ गया है जिसमें उसने माना है कि 1 जुलाई 2024 को हुए हमले में आईडीएफ का एक जवान मारा गया है। आईडीएफ का कहना है कि हमास की तरफ से दक्षिणी गाजा के इलाके से इजरायली सेटलमेंट्स पर 20 रॉकेटों का एक जत्था फायर किया गया जिसकी चपेट में यह जवान आ गया। आईडीएफ का कहना है कि मृतक जवान का नाम सार्जेंट ओरी इशाक हदाद है जिसकी उम्र 21 साल थी और वो नाहाल ब्रिगेड की 931वीं बटालियन का हिस्सा था। आईडीएफ के मुताबिक हमास के इस हमले में आईडीएफ के 9 सैनिक भी घायल हुए हैं जिनमें से एक जवान गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। शुरुआती जांच की रिपोर्ट के मुताबिक ये जवान बूबी ट्रैप में हुए एक धमाके की जद में आ गए थे। वहीं अलकुज ब्रिगेड ने बॉर्डर पर बसे इजरायली सेटलमेंट्स पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। आईडीएफ के मुताबिक गाजा के खान यूनिस के करीब 20 रॉकेटों का एक जत्था इन सेटलमेंट्स पर फायर किया गया था। और गौर करने वाली बात यह है कि इस इलाके में पहले इजरायली सेना ऑपरेट कर रही थी। और इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इजरायल का आयरन डोम इनमें से सिर्फ कुछ ही रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर पाया, बाकी रॉकेट दक्षिणी गाजा पर जा गिरे। हालांकि जहां से ये रॉकेट दागे गए थे उन जगहों पर इजरायल ने बमबारी की है और हमास द्वारा दागे गए ये रॉकेट्स दक्षिणी इजरायल पर गिरे। इन हशलोशा, किफोसिम, निरीम, सूफा, स्डे अब्राहम, देकेल, येतेद, होलेत और नीरोज सेटलमेंट्स में हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे। आपको बता दें कि फिलहाल इजरायली फौज का सारा फोकस उत्तरी गाजा पर है जिसके अल सुजैया में हमास और आईडीएफ के बीच भीषण जंग चल रही है। दरअसल आईडीएफ को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि हमास के लड़ाके दोबारा इन इलाकों में इकट्ठा हो रहे हैं।